सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। बोधगया का महाबोधि मंदिर जिसके कोने कोने में बुद्धम शरणम गच्छामि बसता है, वहाँ श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सोमवार को पहुंचे। यहाँ मंदिर को देख वो अभिभूत हो गए। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे, इसी उपलक्ष्य में वो 20 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ एयर इंडिया के विशेष विमान से सोमवार सुबह 10:50 पर एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो वाराणसी से स्पेशल फ्लाइट से गया एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधे महाबोधि मंदिर पहुंचे और पहले भगवान बुद्ध को नमन किया। एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने उनका स्वागत किया और महाबोधि मंदिर तक उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट से लेकर बोधगया तक जगह जगह स्कूली बच्चों ने दोनों देशों के झंडों के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के समक्ष उन्होंने मत्था टेका, फिर पवित्र बोधि पेड़ का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। मंदिर में करीब आधे घंटे तक श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना में समय गुजारा। प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में लिखा कि बुद्ध की धरती पर आकर उन्हें असीम शांति का एहसास हुआ है। भारत की ऐतिहासिक और अद्भुत विरासत को देख अभिभूत हूँ। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक रिश्ते सदियों पुराने हैं और अब दोनों के बीच आर्थिक और सामरिक रिश्ते भी नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। इन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बोधगया पहुंची श्रीलंका सरकार की प्रतिनिधि अनुराधा ने कहा, जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री राजपक्षे प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर भारत आए हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ कई सारी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे प्रधानमंत्री को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों की यात्रा करने का सुझाव दिया था। इसी सिलसिले में हम वाराणसी, बोधगया और तिरुपति की यात्रा कर रहे हैं, ताकि हम बता सकें कि श्रीलंका और भारत के बीच कई सारे धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री राजपक्षे बोधगया स्थित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया श्रीलंकाई बौद्ध मठ के जयश्री महाबोधि महाविहार में गए। वहां भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्य शारीपुत्र और महामोगलन के अस्थि अवशेष कलश का भी दर्शन किया। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री 7 फरवरी को 5 दिवसीय भारत दौरे पर थे, इसी क्रम में उन्होंने सारनाथ और वाराणसी का दौरा किया। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री साल 2013 के बाद दूसरी बार बोधगया पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।